साथ मैं हूं समन नसीर, शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कौमी असेंबली का बजट सेशन शुरू होते ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हंगामा आराई, जमशेद दस्ती के मुसलसल बोलने की कोशिशें, डिप्टी स्पीकर बरहम, आप बदमाशी कर रहे हैं, डिक्टेट ना करें, पीटीआई रहनुमा को डांट पिला दी। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की पंजाब में दफा 144 के नफाज की मजम्मत, इकदाम आईने पाकिस्तान के खिलाफ वर्जी करार, बोले आईजी पंजाब नॉन प्रोफेशनल है, पंजाब में हमारे कारकुनों के खिलाफ कानून गिरफ्तारियां हो रही हैं। पंजाब भर में 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज, हर किस्म के मुजाहरों, जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी होगी। इंतजामिया के मुताबिक पाबंदी अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर लगाई गई। रवायती बजट मईशियत और कौमी सलामती के लिए खतरा है, इत्तेहादियों की भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद, डॉक्टर फारूक सत्तार फट पड़े, बोले तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ ना डालें, जुल्म खत्म करें, कब तक वडेरों और जागीरदारों की आमदन पर छूट देते रहेंगे, पहले पेट्रोल फिर उससे बनने वाली बिजली पर सेल टैक्स लगता है, पेट्रोलियम लेवी 60 से बढ़ाकर 80 रुपये की जा रही है, टैक्सेस ने मरे हुओं को और मार दिया है। बजट की मंजूरी और पावर शेयरिंग पर तहफुजात दूर करने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुजाकरात, वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो में बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक, मामला तय करने के लिए कमेटियां तश्कील, आज वजीर आजम हाउस में बैठक लगेगी, पंजाब में पावर शेयरिंग पर बातचीत होगी, कमेटी इंतजामी अहदों के मुस्तकबिल का फैसला करेगी। सरमायाकारों का एतमाद बहाल, स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने लगा, तारीख में पहली बार 80,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर, दौराने ट्रेडिंग 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, एक साल में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100% बढ़ी, हैंडर्ड इंडेक्स में 40,000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही, मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए ए1 टीवी। सब पे नजर, अंदर की खबर।